So, my first question to all of you, chapter name is our force and laws of motion. So, what is force? How can we define a force? कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करता है। चलिए ठीक है, चलिए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इंटरैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरैक्शन करता है तो पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। बट इसके अलावा फोर्स की क्या डेफिनेशन हो सकती है? इसके अलावा फोर्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनीवन, हाउ कैन यू डिफाइन अ फोर्स? हाँ जी राहुल, बता सकते हैं? हाँ, व्हाट इज फोर्स? नहीं वो तो ठीक है, पुश एंड पुल ये तो हो गया, इसके अलावा कोई डेफिनेशन फोर्स के लिए? जीत जीत कौन है? टेंथ में है ना? हेलो जीत, हेलो हेलो, गमी है क्या? कोई भाग गया? तो देखिए, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज इंटरैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, सो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स और पुल अप्लाई कर रहा है वो फोर्स बोला जाता है। लेकिन थोड़ा सा हम इस डेफिनेशन को रीडिफाइन करते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंज करते हैं। सो फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स इज एन इंटरैक्शन। फोर्स क्या है? एक तरीके का इंटरैक्शन है। फोर्स इज एन इंटरैक्शन और फोर्स इज अ कॉज विच व्हेन अनअपोज्ड कैन चेंज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि फोर्स का अपोज ना किया जाए तो फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर देता है। सो दैट इंटरैक्शन इज कॉल्ड फोर्स। तो कैसे मैं डिफाइन कर रहा हूं? देखिए दोनों डेफिनेशन सही है, आप जो आपने जो बताया वो भी डेफिनेशन सही है। सो व्हाट इज फोर्स? इट इज अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन that when unopposed can change motion of an object। अब इसको हम और सिंपल तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसा दूसरा डेफिनेशन बोला, इट इज अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच पुश और पुल। देखिए
मैं वापस से डिफाइन कर रहा हूं। देखिए पहला डेफिनेशन मैंने क्या बोला, फोर्स इज अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन विच वैन अनअपोज्ड कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक तरीके का इंटरैक्शन है या एक तरीके का कॉज है जिसकी वजह से मोशन ऑब्जेक्ट की जो मोशन तो देखिए मैं क्या पॉइंट डिस्कस कर रहा था, इफेक्ट ऑफ फोर्स, हम क्या पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो चार इफेक्ट मैंने डिस्कस किए, दैट अ फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वी हैव टू अप्लाई द फोर्स। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये आपका व्हीकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, यू वांट टू शिफ्ट और चेंज इट्स डायरेक्शन, तो वी कैन चेंज इट्स डायरेक्शन बाय अप्लाइंग अ फोर्स। जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर गेम खेलते हैं, जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें आपका जो बॉल है उसका डायरेक्शन आपको चेंज करना है, सो वी कैन चेंज इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स इन अ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। एंड लास्ट वन, अ फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज इट क्लियर। तो इसलिए जो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन जो फोर्स के लिए लिखा था, फोर्स के लिए क्या लिखा था कि अ फोर्स इज एन इंटरैक्शन विच मैन अनअपोज, यदि उसको उस इंटरेक्शन को मैं अनअपोज करूं, उसका अपोज ना करूं, सो इट कैन चेंज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ कॉज विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। डेफिनेशन फोर्स के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि फोर्स इज एन कॉज विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, ठीक है। जब किसी भी बॉडी पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और यदि आपके फोर्सेस बैलेंस्ड है, यानी फोर्सेस एक्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है, देन ऑब्जेक्ट इज आइदर रेस्ट और आइदर ट्रेवल विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ही कंडीशन पर ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब ऑब्जेक्ट पर क्या लगे हो, अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगे, क्या लगे हुए हो, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बट उसको डिस्कस करने से पहले फोर्स के लिए एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि फोर्स इज अ वेक्टर पॉइंट, कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर पॉइंट। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, या फिर इसको एक और यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइन, क्या रहेगा, डाइन, और वन न्यूटन इज सीजीएस, मत बताता हूं। देखिए दो तरीके की सिस्टम चलते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट मेजरमेंट के अंदर दो सिस्टम चलते हैं, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट के अंदर, एक है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट, और दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यह सीजीएस, मतलब लेंथ जो है सेंटीमीटर में मेजर की जाती है, मास ग्राम में मेजर किया जाता है, टाइम सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो एक होता है ऐसा यूनिट, जैसे देखिए आपका
मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, और मास का सीजीएस यूनिट होता है ग्राम। तो एक यूनिट है न्यूटन और दूसरा यूनिट होता है डाइम। तो फोर्स की दो यूनिट होती है, न्यूटन और डाइम। ऐसा यूनिट होती है न्यूटन और सीजीएस यूनिट होती है डाइम। और ये रिलेशन, हाँ, वन न्यूटन इज इक्वल टू टेन टू रेज फाइव डाइम, 10 to the power 5। वन न्यूटन की वैल्यू कितनी होगी? 10 to the power 5 डाइम। अब दूसरा यूनिट जो आता है वो आता है ग्रेविटेशनल यूनिट। केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का जो ग्रेविटेशनल यूनिट होता है वो होता है केजीएफ। केजीएफ को बोलते हैं किलोग्राम फोर्स। और वन केजीएफ होता है 9.8 न्यूटन। और इसी के अंदर इसका स्मॉलर यूनिट होता है ग्राम फोर्स। क्या होता है? ग्राम फोर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीएफ। और वन ग्राम फोर्स जो होता है वो होता है 980 डाइम। क्या होता है? 980 डाइम। देखिए, ये यूनिट्स अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन के हिसाब से, लर्न करने के हिसाब से आपको ध्यान में रखनी है। ये यूनिट कैसे आई, इसका लॉजिक क्या है, जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर देंगे उसके बाद आपको ये क्लियर आउट हो जाएगा कि ये ऐसा क्यों आया है। ठीक है, अभी के लिए सिंपली एक लर्न करना है आपको कि दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है ऐसा यूनिट और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो ऐसा यूनिट है न्यूटन और ग्रेविटेशनल यूनिट है किलोग्राम फोर्स, और वन किलोग्राम फोर्स की वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन। फोर्स का सीजीएस यूनिट है डाइम, और ग्राम फोर्स और डाइम के अंदर क्या रिलेशन होता है? वन ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइम। यस, एग्जाम के लिए न्यूटन और केजीएफ। एक्चुअली मैं ये इसलिए बताया क्योंकि न्यूमेरिकल में यदि आपको फोर्स केजीएफ में भी दिया जा सकता है, न्यूटन में ना देकर केजीएफ में भी दे सकते हैं। अब कुछ बोलू बुक में, हाँ, ये ऐसा यूनिट और केजीएफ ये दोनों दिए हुए, डाइम नहीं दिया हुआ। वन न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइम। हाँ, 5 10 to the power 5 डाइम। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। हाँ भाई साहब, ये कौन है? नाउ बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं? फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर सेट टू बी बैलेंस्ड। फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स आर सेट टू बी बैलेंस्ड इफ इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन इन। When forces are balanced, then object is either at rest or travel with uniform motion.
यदि ऑब्जेक्ट पर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है तो या तो ऑब्जेक्ट क्या होगा रेस्ट में होगा या फिर क्या करेगा यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल करेगा, क्या करेगा यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल करेगा। उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो होगा। जैसे एक सिंपल सा आप गेम खेलते हैं टंग ऑफ और रस्सा कसी जो खेलते हैं उसमें क्या होता है यदि दोनों साइड से इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं ठीक है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है इस पर भी मैंने फोर्स इस साइड से एफ लगाया इस साइड से भी फोर्स एफ लगाया ठीक है, तो फोर्सेस क्या हो गए इक्वल और अपोजिट, तो नेट फोर्स क्या हो गया जीरो। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाले फोर्सेस हैं नेट फोर्सेस जीरो हो जाते हैं। फोर्सेस तो लग रहे हैं लेकिन उनका जो एडिशन है उनका जब हम समेशन करेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाता है जीरो, तो वो फोर्सेस क्या बोले जाते हैं बैलेंस फोर्सेस। और जब नेट फोर्सेस जीरो होते हैं तो बॉडी के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन, मैं वापस से बता रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं कि फोर्सेस आर सेट टू बी forces acting on an object are said to be balanced if it doesn't produce any acceleration in it. Means, जितने भी forces लग रहे हैं उनका जो net force है वो क्या होगा zero। जैसे देखिए ये दो forces मैंने इस object पे लगाए दोनों equal हैं और opposite हैं, क्या है equal और opposite। तो नेट फोर्स क्या हुआ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो, नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस का समेशन जीरो हो जाए तो या तो बॉडी रेस्ट में होगी या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करेगी। हाँ था ठीक है। नेक्स्ट है अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस जैसा कि नाम है कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट आर सेट टू बी अनबैलेंस इफ इट प्रोड्यूस नॉन जीरो एक्सेलरेशन इन इट। फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर सेट टू बी बैलेंस्ड अनबैलेंस सॉरी इफ इट इज प्रोड्यूस नॉन जीरो एक्सेलरेशन इन इट। सो व्हेनेवर द फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड नहीं, सो व्हेनेवर द फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड मीन्स ऑब्जेक्ट ट्रेवल विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या होगा इसका नॉन जीरो एक्सेलरेशन हुआ, मतलब नॉन जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी यूनिफॉर्म नहीं होगी, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। जैसे मैंने जो एग्जांपल बताया टंग ऑफ वॉर रस्साकसी जो होती है दोनों साइड से यदि इक्वल फोर्स लगता है तो कोई भी टीम जो है दोनों टीम अपनी अपनी साइड में रहती है, लेकिन जैसे ही एक साइड का फोर्स ज्यादा हो जाएगा सो वो अनबैलेंस हो जाएगा, सो दूसरी टीम के जो प्लेयर्स होंगे वो सामने वाली साइड में एक्सेलरेट हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके फोर्सेस अनबैलेंस हुए तो वो क्या करेगा सिस्टम में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा, क्या प्रोड्यूस कर देगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा। इज इट क्लियर। और यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही चीज बताता है कि जब तक सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो या तो सिस्टम रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। और जैसे ही फोर्सेस अनबैलेंस हो जाएंगे
इमीडिएटली क्या करेगा, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या एक्सेलरेट हो जाएगा। जैसे ही फोर्सेज अनबैलेंस हुए वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा या उसके अंदर नॉन जीरो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? नॉन जीरो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इज इट क्लियर? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उससे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लिए जो बेसिस दिया था वो बेसिस प्रपोज किया था गैलीलियो ने। सो वी आर परफॉर्मिंग टू एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द लॉज ऑफ मोशन विच आर नोन एज गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस, उनके इफेक्ट्स, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हम इस चैप्टर के अंदर मेनली डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आया? आज हमने क्या पढ़ा? फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स एंड द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। इज इट क्लियर? सब लोगों को समझ में आया? दिशा, अक्षत, ठीक है, कितना टाइम बचा हुआ है? चलिए, तो आज जो मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, बाकी उसके बाद हम इसको आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्राइडे मैं क्लास प्लान करूंगा।